कोरोना को लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी। कोरोना से डरने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल में मरीजों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के साथ रहने की अब आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना से डरने की नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कोरोना को देखते हुए पूरे प्रदेश को दो जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जबकि रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कुछ राहत दी गई है। नहीं, बीच के कोरम की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी जितनी ज्यादा ऑरेंज कर कहने से तीन श्रेणी अलग प्रतीत होती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने उसको सीधा कर दिया है। ग्रीन जोन पूरा खुला रहेगा, रेड जोन में जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन है उसको छोड़ के बाकी में रियायतें दी जाएंगी। केसेज बढ़ने की सिलसिला वो मध्य प्रदेश में नहीं है, देश के अंदर और विश्व के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं बाहर से, उनका एक संभावना है, थोड़े समय में वो हम ठीक करेंगे। हमने, आपने देखा होगा, इंदौर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, जब इतने बिगड़े हुए शहर संभल गए, इतनी घनी आबादी के शहर संभल गए, तो जो क्षेत्रीय प्रवासी मजदूर हैं उनको भी हम ठीक करेंगे। आप ये बात तो मानते ही है ना कि दुखद मौतों का सिलसिला हमने थामने की कोशिश की है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो रेशो था उसको हम आधे से भी नीचे ले आए। और मैं फिर कहता हूं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से सावधानियों की जरूरत है। कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता है तब तक, जैसे इसकी दवाई और टीका बन जाता है। आज हम मलेरिया के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, आज हम टीबी के साथ रह रहे हैं ना, टिटेनस के साथ में, कैंसर के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, ऐसे ही इसके साथ रहना होगा। रोग होगा, इलाज कराएंगे, ठीक होंगे। 50% से ज्यादा लोग कोरोना के जो आज रनिंग में केस हैं ठीक होकर घर आ गए, मतलब ये मारक रोग नहीं है, इसका इलाज संभव है, इलाज हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तैयारी है इलाज की, हम दुखद मौत न हो इसकी चिंता भी कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।